Let us turn our Bibles to 2 Corinthians 7th chapter and verse 10. आइए दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 10 हम देखते हैं. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. और ये कहता है क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता. Only remedy for your sin is repentance. आपके पापों के लिए एकमात्र हल है और वो है पश्चाताप. Without repentance, you will not be able to get rid of your sin. और पश्चाताप के बिना आप अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते. Repentance is godly sorrow. ये पश्चाताप जो है ये तो भक्तिपूर्ण शोक. If you say with all your heart, sorry Lord. ये तो अपने पूरे दिल से कहना है कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर. If you really repent and regret for your sin. अगर आप सच में पश्चाताप करते हैं अपने पापों के लिए आप खेद करते हैं. And when you confess it before the Lord. और आप इसे प्रभु के सामने अंगीकार करती हैं. The great wonderful Lord Jesus Christ will cleanse you from all your unrighteousness. तो वो महान अद्भुत परम प्रभु यीशु मसीह आपके सारे अधर्मों से आपको शुद्ध करेगा. Godly sorrow will lead us to repentance. जो परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा है कि जो पश्चाताप उत्पन्न करता है. Worldly sorrow brings death. परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है. You all know when you sin, you are sad. अब देखिए जब आप दुखी होते तो क्या आप सामान्य रूप में गाते हैं? When you sin against God and against the people, you feel sad in your heart. जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में और लोगों के विरुद्ध में पाप करते हैं तो आप अपने दिल में दुख को महसूस करते हैं. You will become guilty. आप दोषी महसूस करते हैं. You keep on worrying about the sin that you have committed. आपने जो पाप किया है उन सारे पापों के लिए आप अपने अंदर में दोषी महसूस करते हैं, चिंता महसूस करते हैं. There is no use of saying I am a bad guy. और तब ये कहने का कोई मतलब नहीं कि मैं एक बुरा आदमी हूं. I am a sinner. मैं एक पापी हूं. I cannot come out of my sin. मैं अपने पाप से बाहर नहीं आ सकता. See, that is the worldly sorrow. देखिए वो जो है वो सांसारिक. The worldly sorrow will bring death. ये सांसारिक जो शोक है वो केवल मृत्यु लेकर आता है. Many they are burdened with sin and they want to commit suicide. बहुत से लोग जो है वो पाप के बोझ के नीचे दब जाते हैं और आत्महत्या करना चाहते हैं. They are unable to forgive themselves and they commit suicide. वो अपने आप को माफ नहीं कर सकते और इसलिए वो आत्महत्या करते हैं. There is no peace in their life. They want to end their life. उनके जीवन में कोई शांति नहीं. वो अपने आप को खत्म कर देना चाहते हैं. Jesus is calling such kind of people. यीशु ऐसे लोगों को बुलाता है. Come unto me. मेरे पास आओ. You don't need to die. तुम्हें मरने की जरूरत नहीं. I died for you on the cross. मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर मरा हूं. And I rose again from the death. और मैं मृत्यु में से फिर जी उठा हूं. Come to me. तुम मेरे पास आओ. I'll give you peace. मैं तुम्हें शांति दूंगा. I'll cleanse your sins. और मैं तुम्हारे पापों को शुद्ध करूंगा. Because I paid the penalty for your sin on the cross. क्योंकि क्रूस के ऊपर मैंने तुम्हारे पापों के लिए दाम चुकाया है. Jesus says, in my name you will have forgiveness. और यीशु ने कहा कि मेरे नाम से तुम क्षमा पाओगे. You can be restored to joy and peace. और निश्चय ही आप फिर से परमेश्वर से मिल सकते हैं वापस और आप आनंद आनंद और शांति पा सकते हैं. So dear brothers and sisters, प्यारे भाइयों और बहनों, when you sin against God, जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं, when you commit something that will grieve the Lord, जब आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे परमेश्वर शोकित हो जाए, that's not the end of your life. तो वो आपके जीवन का अंत नहीं है. You can still repent. आप फिर भी पश्चाताप कर सकते हैं. You can come back to God. आप परमेश्वर के पास वापस आ सकते हैं. Pray like David. और दाऊद के जैसे प्रार्थना कर सकते हैं. मुझे क्षमा कर. Cleanse me. मुझे शुद्ध कर. Give me a pure heart. मुझे एक शुद्ध हृदय दे. Restore me the joy of salvation. उद्धार का आनंद तू मुझे फिर से दे प्रभु. Please don't take away the Holy Spirit from me. मुझसे पवित्र आत्मा को दूर मत कर प्रभु. Don't drive away. और मुझे तू दूर from your presence. अपनी उपस्थिति से मुझे निकाल न दे. Kneel down and pray. जब आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं. God will hear your prayers. और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है. He will cleanse your sin. और वो हमारे पापों को शुद्ध करता है. Your life. वो आपके जीवन को फिर से पुनर्गठित करता है. Many people when they do something wrong, और बहुत से लोग जब कुछ गलत करते हैं, they want to give offerings to God and please Him. और जब वो तब वो क्या करते हैं? परमेश्वर को कुछ भेंट देना चाहते ताकि उसे खुश कर दें. You know what is the real offering that Jesus loves? लेकिन जानते हैं यीशु को सच्ची भेंट
कौन सी है जो पसंद है? It's not money. वो पैसा नहीं है. It's not the gifts of this world. और वो तो इस संसार के वरदान या जब. What is it? A broken spirit. ये कहता है कि एक टूटा हुआ दिल. And a broken and contrite heart. एक टूटा हुआ और पीसा हुआ. God accepts a broken heart. परमेश्वर एक टूटे हुए दिल को स्वीकार करता है. A broken spirit. टूटी हुई आत्मा को लेता है. That is feeling yourselves unworthy to face the Lord. और निश्चय आप अपने आप को अयोग्य महसूस करते हैं कि आप प्रभु के पास में आएं. Repenting for your sin. आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं. With a trembling heart. और आप निश्चय यहाँ पर इस खेदित मन से आते हैं. If you can open your mouth and pray, Lord, have mercy on me. अगर आप अपने मुंह को खोले और ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझ पर दया कर. The Lord will pour out His blessings on you. तो परमेश्वर आप पर अपनी आशीषों को उंडेलता चला जाएगा. So dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों. When you commit sin against God. जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं. It may be in deeds or it may be even in your thoughts. शायद हो सकता है कि ये आपके कामों से हो या फिर ये आपके विचारों से होगा. You need to repent for your evil thoughts. आपको अपने इन बुरे विचारों से पश्चाताप करना होगा. If you can able to control your thought life, your real life will be clean. अगर आप अपने विचारों के जीवन के ऊपर में नियंत्रण कर सके तो आपका असली जीवन बिल्कुल शुद्ध होगा. Bring your heart to the Lord. आप अपना दिल प्रभु के सामने लेकर आएं. Ask the Lord, search me, O God. और आप प्रभु से कहें कि हे प्रभु तू मुझे खोज. And know my heart. और मेरे दिल को जान ले. See that there is any evil in my heart. ये देख प्रभु कि क्या मेरे दिल में कोई बुराई है. If you can pray this simple prayer. और बहुत ही सरल प्रार्थना कीजिए. The Lord will anoint you. प्रभु आपको अभिषेक देगा. He will cleanse you. वो आपको शुद्ध करेगा. He will guide you. वो आपका मार्गदर्शन करेगा. He will give you a pure heart and a clean conscience. और वो आपको बिल्कुल शुद्ध हृदय और एक अच्छा मन देगा. You can enjoy the joy of the Lord in your life. और आप अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद का आप परमेश्वर की खुशी का आनंद उठा पाएंगे. All that you do will be prosper. और आप जो कुछ भी करेंगे वो संपन्न होता जाएगा. Let us bow heads in prayer. आइए अपने सिर झुकाएं और प्रार्थना करें. Let us all pray with all our heart. आइए अपने पूरे दिल से हम प्रार्थना करें. Just bow down your head. अपने सिरों को झुकाएं. And say to the Lord. और प्रभु से हम ये कहें. Search me, O God. हे प्रभु तू मुझे खोज. Yes, my heart is not clean before you this morning. आज सुबह के समय मेरा दिल प्रभु तेरे सामने में शुद्ध नहीं है. My conscience is pricking. मेरा विवेक मुझे चुभ रहा है. I did so many things against you. मैंने तेरे विरुद्ध में बहुत कुछ किया है प्रभु. Yes Lord, I sinned against you. हाँ प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है. My thoughts are spoiled. मेरे जो विचार है वो बर्बाद हो चुके हैं. Many times I give room to the devil. और कई बार मैं शैतान को जड़ पकड़ने देता. And the devil is destroying me. और शैतान मुझे नाश करते जाता. Oh Lord, I come before you this morning. हे प्रभु आज मैं तेरे सामने आता. Have mercy on me, Jesus. हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर. Cleanse me once again with your precious blood. मुझे अपने बहुमूल्य लहू से एक बार फिर से धोकर शुद्ध कर प्रभु. Give me a pure heart, Lord. मुझे एक शुद्ध दिल दे प्रभु. Give me a renewed spirit, oh Jesus. मुझे प्रभु बिल्कुल नई आत्मा दे. Let your Holy Spirit convict me of my sins. तेरी पवित्र आत्मा मेरे पापों के बारे में मुझे सहमत मुझे कायल करते चले. Of your righteousness. और तेरी धार्मिकता के लिए कायल कर. Of the judgment. न्याय के बारे So that I may repent deeply for my sin. कि मैं अपने दिल की गहराई से पापों के लिए पश्चाताप करूं. Give me the spirit of repentance, Lord. मुझे पश्चाताप की आत्मा दे प्रभु. Pour out your spirit on me. प्रभु मुझ पर अपनी आत्मा उंडेल. I want to live a holy life for you. मैं तेरे लिए एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं. I want to live a life that brings glory to your name. मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं प्रभु जो तेरे नाम को महिमा दे सके. Everyone can pray. हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए. All of you can join in prayer. आप सभी लोग प्रार्थना में जुड़ जाएं. The Lord is here to hear our prayers. आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए परमेश्वर यहाँ पर. The Holy Spirit is dwelling amongst us. पवित्र आत्मा हमारे मध्य में वास करता है. The Holy Spirit is convicting you of your sins. पवित्र आत्मा आपके पापों के बारे में आपको कायल करता है. Please don't harden your heart. और इसलिए आप अपने दिल को कठोर न करें. Say to the Lord sorry. बस प्रभु से आप क्षमा मांगें. Say to the Lord cleanse me. प्रभु से कहें कि हे प्रभु तू मुझे शुद्ध कर. I want everybody to join with me in prayer. मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ जाए. Gracious and wonderful Savior. अनुग्रहकारी अद्भुत उद्धारक.
Thank you, Lord. You are a God who forgives us. प्रभु तो ऐसा परमेश्वर है जो हमें क्षमा करता है. Here we are, Lord. हम यहाँ पर है प्रभु. We want a pure heart this morning. आज सुबह हम बिल्कुल एक शुद्ध मन चाहते हैं. Please cleanse us. कृपया करके आप हमें शुद्ध कीजिए. Wash us with your precious blood. हमें अपने बहुमूल्य लहू से धोकर शुद्ध करें. Give a clean heart. हमें शुद्ध मन दे. So that we may enjoy the joy of salvation. कि हम उद्धार हम आनंद मना सकें. Help us to worship you in spirit and in truth. मदद कीजिए प्रभु की आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें. Teach us, Lord, to walk in your footprints. अब प्रभु आपके पदचिन्हों पर चलने के लिए आप हमें सिखाइए. Bless us and guide us. हमें आशीष देकर मार्गदर्शन कीजिए. In Jesus' precious name I pray. यीशु के बहुमूल्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ. Amen. Amen.